नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सभी को कैसे आप लोग लक्ष्य क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद एक बार फिर से आपके साथ इतिहास को कुरेदने के लिए हाजिर हुआ हूं साथियों इतिहास को नहीं कुरेद रहा हूं मैं जीके इतिहास का बता रहा हूं जी हाँ जी के यही गुड रहस्य हैं और ऐसी ही क्लासेस आपको लेनी चाहिए जहाँ पर वास्तविकता बताई जाती है खैर पॉइंट पर लौटते हैं फिर कभी फुर्सत पे बात करेंगे कि मैंने जी के शब्द का इस्तेमाल क्यों किया अस व्हाट्सएप एप्लीकेशंस एंड टेलीग्राम एप्लीकेशंस क्यू आर कोड के माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी अपडेट्स आप, आप प्राप्त कर सकें अगर यहाँ से क्यू आर कोड से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं नॉट एन इश्यू नीचे पिन में जो लिंक दे रखा है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आज का सेशन आगाज करते हैं सेवंत भैरवा आर पी एस इंस्पायर ठंडी गुल्फी क्या नाम है वाह यार एक बात बताओ ऐसे नाम रखने से क्या फायदा खैर फायदा होगा तभी तो रख रहे हैं मैं ही फालतू तो क्यों कमेंट कर रहा हूँ जब आगे वाले ने डिसाइड कर रखिया कि बड़ी ठंडी गुल्फी ही रह सही है तो मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में बेंगू किसान आंदोलन के बारे में देखिए बेंगू आंदोलन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि बेंगू और बिचौलिया में काफी समानताएं हैं और बेगू में ठीक उसी प्रकार से धाकड़ किसान थे जिस प्रकार से बिजोलिया में थे बिजोलिया में धाकड़ किसान और बेगू में भी धाकड़ किसान और बेगू जो है वह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का फर्स्ट क्लास ठिकाना तो बेगू के अलावा बिजोलिया भी फर्स्ट क्लास ठिकाना और साथ ही साथ बेगू में त्रेपन कर है लेकिन बिजोलिया में चौरासी कर है 84 टैक्स लेकिन मुझे लगता है बिचौलिया की भांति बेगू वालों को आंदोलन शायद नहीं करना चाहिए था लेकिन वो देखा देखी होता है ना कि पड़ोस में खिचड़ी पक रही है तो हम जो है पड़ोस में बिरयानी पक रही है तो हम खिचड़ी क्यों खाएं वो वाली बात है तो खिचड़ी खा ही जाते हैं वो अक्सर कहते हैं ना खिचड़ो खाई तो ये खाएंगे खिचड़ा कैसे खाते हैं जरा देखते हैं देखो साथियों मैंने आपसे कहा था कि 1921 में इसकी शुरुआत होती है 1921 में है ना 1921 में मेनाल जो कि भीलवाड़ा में है मेनाल गांव भी है झरना भी है तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा की बॉर्डर पर है ओके मेनाल में सारे किसान एकत्रित हुए और किसान एकत्रित होकर वहां पर एकत्रित होने के पीछे जो कारण था वह था स्थानीय जो ठाकुर था बेंगू का थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए स्थानीय ठाकुर साहब थे जिनका नाम था अनूप सिंह अनूप सिंह जी की दादी की अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था मैनाल गांव के भेरुकुंड में इसलिए सारे किसान वहां पर एकत्रित हो रखे थे और भाई साहब वहां पे किसान एकत्रित हो रखे थे अनुप सिंह की दादी का अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था और वहां पर लगभग ठाकुर साहब की दादी का, का प्रोग्राम तो सी बात है। की दादी का अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम है स्वाभाविक सी बात है सारे वीवीआईपी इन्वाइट होंगे बड़ी बड़ी पार्टियां भी इनवाइट होगी और देखिए 1921 तक तो आते आते राजस्थान और पूरे भारत के अंदर सारी छोटी बड़ी पार्टियां या छोटे बड़े राजनीतिक संगठन देखिए एक बात है मित्रों सोचिए पार्टी राजनीतिक पार्टियां कैसे बनती हैं जैसे मैं आपको बताऊं मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी है तो वो किस आधार पर बनी एक आंदोलन से जुड़ी तभी तो आम आदमी पार्टी बनी ना अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल साहब ने जो हैं वह जंतर मंतर पर आंदोलन किया और उसी के बाद तो इस पार्टी का स्वरूप आया तो जितनी भी पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं किसानों के आम नागरिकों के और जनता के हितों के, के लड़ाई के कारण वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बनती हैं संगठन बनते हैं ठीक है थीके? तो जितने भी आप राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया में जो संगठन देख रहे हो ये सारी की सारी पार्टीज़ हैं जो अपना पॉलिटिकल मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही है अपने आप को वहां सेटल डाउन करना चाहती हैं ठीक है तो चाहे वह ऊपर माल पंच बोर्ड हो चाहे वह राजस्थान सेवा संघ हो चाहे वह अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद हो ये सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंडे से जुड़ी हुई पार्टियां हैं हालांकि दिखावी तौर पर तो ये है कि वह किसानों के और मजदूरों के हितों के लिए लड़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू भी तो वहां पर मौजूद है ना तो साहब ऐसा है कि ठाकुर अनूप सिंह वहां पर उनकी दादी का अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम था सारे किसान वहाँ आए हुए थे और बड़े बड़े राजनीतिक नेता दल वहां पर मौजूद थे तो ऊपर माल पंच बोर्ड भी आया हुआ था और भी बड़े बड़े राजनीतिक दल आ चुके थे जैसे कि वहां पर राजस्थान सेवा संघ भी उपस्थित था तो वहां पर जब किसानों ने ऊपर बाल पंच बोर्ड के नेता विजय सिंह पथिक को देखा तो उनके भी मन में हुआ कि भाई हम ये त्रेपन कर जो है वह क्यों दें ठाकुर अनूप सिंह को तो उन सारे किसानों ने धाकड़ किसानों ने रिक्वेस्ट की विजय सिंह पथिक से कि आप जो हैं इन करों को हमारे ऊपर से हटाइए हटवाइए तो विजय सिंह पथिक ने सारे किसानों को कहा कि देखो भैया ऐसा है कि मैं तो हूँ मोस्ट वांटेड आदमी मेरे ऊपर जो है केस चल रहे हैं फिरोजपुर षड्यंत्र केस उनके ऊपर चल ही रहा था गैरकानूनी हथियार रखने के आरोप में वो फरार थे इसके अलावा सेठ अमीर चंद को मारने के ऊपर भी फरार थे इसलिए मैं हर जगह पर काम नहीं कर सकता एक बहुत ही अच्छे नेता को आपको सौंपता हूं वो आपके इस कार्य में आपके साथ में योगदान देंगे तो शेखावटी के झुंझुनू के एक प्रसिद्ध जाट नेता है जिनका नाम था राम नारायण चौधरी जो कि राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे राजस्थान सेवा संघ किसानों और मजदूरों के लिए लड़ने वाली एक संगठन था तो नेतृत्व सौंपा गया राम नारायण चौधरी को राम नारायण चौधरी भले नेतृत्व करता माने आप लेकिन वास्तव में यहां के आंदोलन की पूरी तरह से बागडोर जो है वह विजय सिंह पथिक के अंडर में ही थी ठीक है तो रामनारायण चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ करते हैं तब ठाकुर अनूप सिंह को यह लगने लगा कि इस तरह से ये आंदोलन करने लगे और आप इस समय थोड़ा सा माइंड में ये भी सेट रखना कि बिजोलिया में इस समय क्या चल रहा था आपको पता है ना 1920 में जब नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बिजोलिया में और 1922 में जब हॉलैंड कमीशन आया था राजपुताना प्रांत का एजीजी जी रिचर्डसन हॉलैंड जब आया था तो उसके बीच की ड्यूरेशन है ये और इस समय तक तो आते आते, आते आपको पता है कि पूरी तरह से ऊपर माल के नेताओं ने ठाकुर साहब की छोड़ो ब्रिटिश सरकार की तक बजा रखी थी क्या बजा रखी थी बैंड बजा रखी थी तो शायद मुझे लगता है अनूप सिंह को भी लगा कि यार ये कहीं मेरी ना बजा दे इस कारण से ठाकुर अनूप सिंह जी ने किसानों के ऊपर से तुरंत प्रभाव से कुछ कर हटा लिए तो उस समय राजस्थान में मेवाड़ का एक लैंड सेटलमेंट ऑफिसर था स्थायी बंदोबस्त अधिकारी जिसका नाम था स्टेफर्ड ट्रेंच उस स्टेफर्ड ट्रेंच ने कहा कि इस समझौते को हम बोल्सेविक समझौता मानते हैं और इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते और उसने तुरंत प्रभाव से इस समझौते को अस्वीकार कर दिया और इसकी शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से की कि ठाकुर अनूप सिंह कौन होता है कर हटाने या घटाने या बढ़ाने वाला व्यक्ति तो तुरंत प्रभाव से बॉलसेविक समझौता इसे करार देकर ठाकुर अनूप सिंह को अजमेर में कैद कर लिया ठीक है और उसकी जगह नियुक्त किया गया वहां के स्थानीय व्यापारी लाला अमृतलाल को और लाला अमृतलाल ने वापस वो के वो कर बढ़ा दिए और ऊपर से अपनी जेब भरने के लिए और करों की बढ़ोतरी कर दी इसी वजह से लाला अमृतलाल ने वापस करो को बढ़ाया लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको बोल्सेविक चीज समझाई थी बोल्सेविक एक साम्यवादी विचारधारा की पार्टी है जो कि रशिया में थी ठीक है दो पार्टियां थी रशिया में एक का नाम था मेंशेविक और एक थी ये दोनों रशियन पार्टी हैं और इस रशिया को पहले कहा जाता था यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया सोवियत संघ ठीक है ओके तो भाई साहब इसे बोल्सेविक समझौता कहकर अस्वीकार कर दिया बोल्सेविक रशिया में व्लादिमीर इलिच इलियानोव की एक पार्टी है जो कि एक साम्यवादी पार्टी है और साम्यवाद का मतलब सीधा सीधा होता है देश को चलाने वाले कौन है मजदूर किसान तो उनके हाथों में सत्ता सौंपनी चाहिए और मैंशिविक एक कैरेंस्की की पार्टी थी रशियन एक नेता थे कैरेंस्की उसकी पार्टी थी जो कि एक समाजवादी पार्टी थी समाजवाद का मतलब होता है मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी समझाया था कि एक होता है समाजवाद एक होता है साम्यवाद और एक होता है पूंजीवाद पूंजीवाद कैपिटलिज्म जिसमें यू समझ लीजिए सारा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा और साम्यवाद देश को चलाने वाले मजदूर और किसान है इसलिए मजदूर किसानों के हाथ में होगा ठीक है और समाजवाद जो है वह जिसमें सारा सिस्टम सरकारी हाथों में होगा तो चूंकि इंग्लैंड क्या है एक पूंजीवादी देश है प्राइवेट सेक्टर वाला देश है और रशिया क्या है एक साम्यवादी देश है तो रशिया की बोल्सेविक अर्थात साम्यवादी अर्थात मजदूरों की बात यहां पर हो रही थी इसलिए इसे बॉलसेविक से तुलना देकर इसे अस्वीकार कर दिया ठीक है समझ गए मेरे इस बात तो इसे बोल्सेविक समझौता कहकर अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करने के बाद में लाला अमृतलाल को वहां का ठाकुर नियुक्त कर दिया गया और लाला अमृतलाल ने जो है यहां पर करों की संख्या और बढ़ा दी ठीक है साथियों यहां तक समझ में आया आपको तो इसके खिलाफ किसके खिलाफ ट्रेंच के खिलाफ सारे किसान हो गए और ट्रेंच के खिलाफ होकर चौधरी रामनारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी जी ने किसानों की बागडोर अपने हाथों में ली ठीक है तो अंजना देवी और रामनारायण चौधरी ने वहां पर किसानों के सम्मेलन की बागडोर अपने हाथों में ली और हाथों में लेकर वहां पर किसानों को भड़काना स्टार्ट कर दिया अब हुआ यूं कि यहां पर जब गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा हो रही थी क्योंकि राम नारायण चौधरी और उनकी पत्नी अंजना देवी ने महिलाओं के सम्मेलन का नेतृत्व किया अंजना देवी जी ने और रामनारायण चौधरी ने वह पर किसानों पर का जो है नेतृत्व किया पुरुष किसानों का और ये सारे के सारे इकट्ठा हो रखे थे गोविंदपुरा गांव में यहां पर करीब तेरह जुलाई उन्नीस के दिन ट्रेंच के आदेश पर अंधाधुन किसानों पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के अंदर आपने सुना होगा दो प्रसिद्ध किसान नेता रूपा जी या रूप जी धाकड़ और कृप जी धाकड़ या कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे उसके बाद में करीब सितंबर उन्नीस के आसपास इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक आते हैं और किसानों को जो मारा जा रहा था और उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने की कोशिश की तो उन्हें भी यहां से गिरफ्तार कर लिया गया था लगभग 1925 तक आते आते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ा तब तक यह आंदोलन चलता रहा और किसानों ने धरनेबाजी की 1925 तक आते आते वहां पर करीब चौतीस कर हटा लिए गए थे क्योंकि बार बार किसानों का विरोध हो रहा था किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे बाहर की बहुत सारी पार्टियां आकर जो है वह वहां पे इन्वॉल्व हो रही थी ठीक है इस कारण से ये लगभग 1925 तक आते आते ये आंदोलन ठंडा पड़ चुका था चलिए हम नेक्स्ट आंदोलन पर बात करते हैं नेक्स्ट आंदोलन है हमारा वहां है बूंदी जिसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है देखिए साथियों बूंदी बूंदी की जो पथरीली जमीन है पथरीली जमीन जिसको कहा जाता है बरड़ इसलिए यहां के किसानों को भी बरड़ कहा जाता है अब जिस जमीन के नीचे जो है काफी पत्थर हो और वहाँ पे ढंग से खेती ना होती हो तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के किसान जो है परेशान होंगे हालांकि हम इसे बेगू से कंपेयर नहीं कर सकते बेगू की जमीन तो अच्छी थी फिर भी वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया और जो है गिरधारीपुरा गांव सॉरी गोविंदपुरा गांव के अंदर उनके ऊपर हत्याकांड हुआ अब इस आंदोलन की एक अनोखी विशेषता है कुछ ये आंदोलन दूसरे आंदोलनों से थोड़ा सा हटके हैं बाकी आंदोलनों में और इस आंदोलन में काफी हद तक समानता नहीं है जैसे इस आंदोलन में जो मुख्य कारण रहा वह कर तो है ही है। कर तो सब जगह समस्या थे ही लेकिन इसके अलावा यहां पर एक प्रथा थी जिसको हाका प्रथा कहते हैं हाखा प्रथा की वजह से यहां पर आंदोलन हुआ और यहां पर जो किसान थे वे गुर्जर जाति के थे इसलिए इस आंदोलन को हम गुर्जर आंदोलन भी कह सकते हैं ये एक अलग से जाति का आंदोलन है बूंदी का ठीक है <coughs> खैर पॉइंट पे लौटते हैं मुख्य कारण कर तो है ही लेकिन इसके अलावा यहां पर हाका प्रथा हाका प्रथा थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूं। देखो यहां पर आपने देखा होगा कि पहले आम नागरी से बेगार ली जाती थी जिसको हम बैठ बेगार कहते हैं हाड़ी प्रथा करवाई जाती थी सागड़ी प्रथा करवाई जाती थी बंदुआ मजदूरी कहते हैं और इसके अलावा यहां पर किसानों को ठाकुर जो है वह जोर जोर से हलकारे लगाने का भी पनिशमेंट देते हैं जैसे कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा वो कहते हैं ना जागते रहो जोर जोर से हाके लगाना ठाकुर साहब पधार रहे हैं पनिशमेंट के तौर पर अगर कोई किसान जो है समय पर कर नहीं भर पाता था तो उसको दिन भर हाके लगवाए जाते थे ठाकुर साहब आ रहे हैं वो बोलता ही रहता था ठाकुर साहब आ रहे हैं बस ये तो जाती हुई ना तो इस कारण से यहां पर आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह किया था पंडित नैनू शर्मा ने नैनू शर्मा और एक थे स्वामी नित्यानंद महाराज इन दोनों को आप इस आंदोलन का नेतृत्व करता कह सकते हैं ठीक है इस आंदोलन की एक अनोखी विशेषता यह भी थी कि ये जो जगह है ना वह चंबल नदी के आसपास वाला एरिया था मैंने कहा ना स्टार्ट में क्या कहा यह आंदोलन दूसरे आंदोलन से थोड़ा सा अलग है ठीक है तो इस आंदोलन की विशेषता यह भी है, कि ये आंदोलन जो है वह दूसरे आंदोलन से थोड़ा सा अलग इसलिए भी है क्योंकि एक तो यह गुर्जर जाति का प्रॉपर आंदोलन है हाका प्रथा की वजह से मशहूर है और इस आंदोलन में जितनी भूमिका में जो है वह लेडे रहते थे ना उतनी लेडीज भी रहती थी लेडी और लेडो का दोनों का योगदान था इस आंदोलन में आई मीन टू से पुरुष और आदमियों का अक्सर आपने देखा होगा कोई आदमी लड़ाई करने नहीं जा सकता ना या फिर घर पे कोई आ जाए एकदम से छाती पे छड़ के आ जाए तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो औरतों को आगे करते हैं कि तू जा लड़ाई कर अब आपको भी पता है कि औरतों से आदमी उलझ नहीं सकता ठीक है कौन माथा पोड़ी करें औरतों से लठ ठोक दिया तो माथे पड़ गई तो तो ये थोड़ी सी अनोखी विशेषता इस आंदोलन की औरतों की भूमिका इस आंदोलन में बहुत ज्यादा थी जब भी इन किसानों की मीटिंग होती ना उस मीटिंग में जो लेडे होते थे ना वो तो बीच में बैठे रहते थे पुरुष ठीक है और इसके चारों तरफ जो है वह औरतें खड़ी रहती थी घेर के और एक विशेषता यह भी है कि इस आंदोलन की जितनी भी मीटिंग होती थी वो सारी की सारी चंबल के बिहड़ों में होती थी बिहड़ों में बैठके होती थी इनकी अब बिहड़ों में कौन जावे यार जहां बड़े बड़े चंबल के डाकू रहते थे है ना तो इस आंदोलन में स्पेशली जब भी बैठकें होती चाहे वो बरड़ गांव में हुई या डाबी गांव में हुई उन बैठकों के अंदर जो है वह पुरुष हमेशा बीच में रहते थे और औरतें चारों तरफ रहती थी शांतिपूर्वक सभा होती थी वहां पर पुलिस भी पहुंचती थी समझे कि नहीं समझे ठीक है तो वहां पर पुलिस जब पहुंचती थी और बैठकें जब होती थी तो शांतिपूर्वक सभा के दौरान ऐसा नहीं है कि स्वामी नित्यानंद महाराज या पंडित नैनू शर्मा ही इन बैठकों की अध्यक्षता करते या फिर इनको वहाँ पे नारेबाजी करते हैं या फिर करों के खिलाफ आवाज़ उठाते ये तो नेतृत्व तो करता नाम मारते कि इनकी गाइडलाइन में आंदोलन चलता लेकिन वास्तव में आंदोलन करने वाले नानक जी भील जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है इसके अलावा देवीलाल जी गुड़जर और कई बार तो माणिक्यलाल वर्मा भी जाते वर्मा भी जाते पथिक साहब भी इनकी मीटिंगों में जाते साहब अब आपको वास्तव में लग रहा है ना कि राजनीति हो रही है और पथिक साहब और वर्मा जी जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर क्योंकि आप जरा सोचो कि एक जगह पे कोई नेता फेमस हो जाए और फेमस होने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक बिजोली आंदोलन की वजह से बहुत फेमस हो चुके थे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे अब वो दूसरी जगह पर चाकाउ उंगली कर रहे हैं तुम भी आवाज उठाओ ताकि आने वाले समय में उनकी राजनीति चमके और माणिक्यलाल वर्मा जी का गीत गाया जाता था इनके सब मीटिंगों के अंदर जो पंछीड़ा गीत है इसमें गाया जाता था जो उन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा ना तो वो गाया जाता था साहब ठीक है तो ऐसी ऐसी मीटिंगें इनकी चल रही थी जो है चंबल के बीहड़ों में चल रही थी और स्पेशली इन मीटिंगों के अंदर पंचीड़ा गीत गाया जाता था ये सारी चीजें अगर आप चाहे तो नोट भी साथ साथ में करते हुए चल सकते हैं ठीक है थीके? तो ऐसी ही मीटिंग चल रही थी डाबी में डाबी एक गांव है और उस डाबी के अंदर वही सीन इनका चल रहा था बीच में आदमी लोग थे चारों तरफ औरतें घेरे हुए थी ठीक है पुलिस भी वहां पर आई हुई थी और नानक जी भील जो है वह एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पंछीड़ा गीत गा रहे थे ठीक है नानक जी भील नानक जी भील देखो एक तो नानजी पटेल है और एक नानक जी भील है कंफ्यूज मत होना पंचीड़ा गीत गा रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी आई हुई थी कि भाई कोई लफड़ा हफड़ा हो तो पुलिस वाले लट ठोके उनको ठीक है तो एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था इकराम हुसैन इकराम हुसैन वह अपने पूरे पुलिस मजमे के साथ में वहां पर आया हुआ था यह पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन इस ऐसे आंदोलनों को मैं थोड़ा सा स्लोली ही ले रहा हूं ताकि आप साथ में लिख भी पाओ और जो है समझ भी पाओ अगर मैं इसमें स्पीड से चला जैसे अक्सर लोग चलते हैं तो सारा सिर के ऊपर से निकल जाएगा आपके ठीक है तो इकराम हुसैन अपनी पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में वहां आया हुआ था ताकि कोई गड़बड़ ना हो अगर किसान कुछ गड़बड़ करे अंटसंट अवड़ सवड़ बोले तो लठ ठोके उनको पर शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं तो पुलिस को क्या समस्या है तो शांतिपूर्वक सभा चल रही थी नानक जी भील पंछीड़ा गीत गा रहे थे ठीक है और किसानों को कर न देने के लिए हाका प्रथा न करने के लिए बार बार चेता रहे थे अब इस पुलिस अधिकारी के पास में एक बासाब खड़े थे डोगरे बासाब, बासाब यू नो डोगरे बासाब, जिनका नाम था देवीलाल जी गुड़जर वो देवीलाल गुर्जर जब साथ में खड़े थे वो चिलम फूक रहे थे चिलम चिलम समझते हो ना गांवों में देखी होगी चिलम चिलम फूक रहे थे ये देवीलाल जी गुर्जर और बढ़िया शानदार तरीके से नानक जी भील को सुन रहे थे कि नानक जी भील कहीं के वे अब चिलम फूकते फूकते वो चिलम के ऊपर जो अंगीरा होता है ना अंगीरा चिलम किस किस ने देखी ईमानदारी से बताना अपने दादा दादी के पास दादी के पास में दादी तो क्यों पिएगी चिलम और किसी के दादी तो पीती भी होगी ठीक है डोकरे डोकरे पीते चिलम हाँ तो वो चिलम फूक रहे थे वो पाइप और ऊपर ऊपर वो चिलम होती है ना वो मिट्टी की लंबी ये नई जनरेशन को नहीं पता होता सच में ये इंग्लिश मीडियम वाले तो मैं कह रहा हूं क्या ही बोलू इनके बारे में नाम के इंग्लिश मीडियम वाले लेकिन आजकल ये मीडियम काफी एग्जाम में मैटर करता है तो एक पाइप होती है मिट्टी की और उसमें ऊपर टोबेको डालते हैं तंबाकू और ऊपर जो है एक अंगीरा रखते हैं खीरा रखते हैं अंगीरा क्या बोलते हैं आपकी भाषा में मुझे नहीं पता ठीक है और फिर उसके नीचे कपड़ा लगा के वो फूंकते रहते हैं चिलम उसको कहते हैं चिलम नशा है एक तरह का ठीक है लुक लाइक उस जमाने की सिगारेट सस्ती सिगरेट ठीक तो देवीलाल जी गुर्जर साहब जो हैं चिलम फूंक रहे थे और फूंकते फूंकते आपको भी पता है भीड़ में खड़े हो धक्का हो रही है तो वो थोड़ी सी चिलम हिल गई ठीक है और एकदम से हिल गई तो वो अंगीरा जो है वह गिर गया और सीधा घुस गया देवीलाल जी की धोती में और देवीलाल जी जोर से चिल्लाए अरे मार दिया रे तो पब्लिक ने सोचा कि पुलिस वालों ने हमला कर दिया पुलिस वालों ने सोचा पब्लिक ने हमला कर दिया और इस हमलेबाजी में पुलिस ने फायरिंग कर दी 2 अप्रैल उन्नीस को और इस फायरिंग के अंदर ये देवीलाल जी गुर्जर मारे गए नानक जी भील मारे गए मुझे लगता है बाद में पोस्टमार्टम में उनकी धोती में जब देखा गया होगा कि यार ये अंगीरे का निशान है या गोली का निशान है नानक जी भील को तो हालांकि उस समय नहीं मरे थे डाबी में डाबी में एक्जेक्टली उसी ऑन स्पॉट जो है वह देवीलाल जी गुर्जर मरे थे अब देख लो चिलम फूकने का भी नतीजा देख लो डाबी जैसे कांड हो जाते हैं ठीक है तो नानक जी भील बहुत प्रसिद्ध नेता थे पब्लिक उनको लेके वहां से भाग गई और उनको लेके उनकी लाश लेके घूमती रही कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ऑन स्पॉट उनकी डेथ हुई थी कुछ कहते हैं कि बाद में डेथ हुई थी लेके घूमते रहे पुलिस उन नानक जी भील की लाश को लेने के लिए बहुत कोशिशें की क्योंकि अगर नानक जी भील की लाश अगर उनके पास में रहती है हाँ अंगीरा बोले तो कोयला हाँ बिल्कुल ठीक है तो नानक जी भील की लाश जो है वह लेके घूमते रहे तीन चार दिनों तक पुलिस पीछे पड़ी हुई थी ताकि उनकी लाश को कैप्चर कर सके क्योंकि नानक जी भील की लाश को लेकर अगर वो नहीं घूमते तो पुलिस को ये लगता था कि इन नानक जी भील को अपना रोल मॉडल बनाकर ये और आंदोलन तेज ना कर दें इस कारण से पुलिस अपनी कस्टडी में उस लाश को लेना चाहती थी ठीक है और उसके बाद में नानक जी भील आपको पता है कि इंसान के मरने के बाद में फिर उसका शरीर भी सड़ने लगता है तो पब्लिक ने सोचा कि अब इनका दाह संस्कार कर दिया जाए और दहा संस्कार करने के लिए कहते हैं कि नानक जी भील का दहा संस्कार जो है नारियलों से हुआ था पब्लिक के बीच में इतने फेमस थे नानक जी भील कि नानक जी भील का दहा संस्कार करने के लिए खुद पब्लिक बहुत सारे नारियल लेके आई थी लकड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी नारियल से ही इनका अंतिम संस्कार हो गया था ठीक है मेरे भाई तो इस आंदोलन में इतना ही होपफुली ये आंदोलन आपको समझ में आ चुका होगा और ये एक तरह का सफल आंदोलन नहीं था इसको असफल आंदोलन कह सकते हैं आप क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया ना और इसकी असफलता के पीछे कारण सबसे बड़ा ये था कि एक तो इसमें बाहरी नेता इन्वॉल्व थे जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे भले आप इन नेताओं को कितने ही महान बना लो लेकिन जो सच है वो तो मैं डंके की चोट के साथ में बोलना पसंद करता हूं जो सच है वो सच है गलत है वो गलत है तो ये सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे थे इनको कोई गुर्जरों से लेना है देना है और दूसरा जो इस आंदोलन में एक विशेषता देखने को मिलती है वो ये है कि इस आंदोलन के अंदर ये गुर्जर आंदोलन था सिर्फ एक जाति से इंस्पायर था इस कारण से भी आंदोलन असफल रहा खैर हाँ डाबी हत्याकांड का जिक्र जो है अर्जी में किया है खुद वर्मा जी ने वर्मा जी द्वारा इसका उल्लेख किया गया है यह धोती में जो अंगीरा गुसा था यह बात अर्जी में लिखी हुई है ठीक है अर्जी हालांकि ये प्रॉपर अर्जी शब्द ऐसे लिखना चाहिए अर्जी अर्जी मतलब अरज रिक्वेस्ट हम पहले लिखते थे ना अर्जी एप्लीकेशन सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय मैं फलाना का आपकी क्लास से चार दिन गायब रहना चाहता हूं मेरे घर में शादी है इंग्लिश में लिखते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई एम एल टू बैक टू से डेट पता नहीं क्या क्या लिखते थे वही अर्जी ओके चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट आंदोलन अलवर में देखिए जब भी अलवर की बात आती है ना मित्रों तब अलवर में आप बिलीव ना करोगे लोग जो है ना पता नहीं क्या भूत सवार हो जाता है कि राजस्थान में आंदोलन मतलब किसान आंदोलन ही बाकी तो आंदोलन हुए नहीं है एक चलो मैं अलवर का थोड़ा सा बाद में आपको नमूना बताता हूं मैं एक और आंदोलन पे चलता हूं लोगों को पता नहीं राजस्थान में जब भी आंदोलन की बात आती है ना तो एक ही भूत सवार होता है किसान आंदोलन अरे वेंडा आदमी पागल आदमी आंदोलन का मतलब खाली किसान आंदोलन थोड़ी होता है राजस्थान में किसानों ने आंदोलन किया माना आदिवासियों ने भी तो आंदोलन किया सारे किसानों ने थोड़ी किया है और केवल किसान और आदिवासियों ने आंदोलन नहीं किया राजस्थान में मजदूरों ने भी आंदोलन किया है व्यापारियों ने भी आंदोलन किया है यहां तक कि जागीरदारों ने भी आंदोलन किया है जिन जागीरदारों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वह जागीरदार भी राजस्थान में आंदोलन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं बस सिर्फ आंदोलन मतलब किसान आंदोलन पता नहीं क्या भूत सवार होता है लोगों को जैसे वो बॉलीवुड फिल्मों, हीरो, तो ही बॉली फिल्मों में होता है ना फिक्स हीरो पढ़ा दिया ठीक है बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना हीरोइन फंसती है तो हीरो ही बचाने आता है भले कुछ भी हो जाए हीरो को जन्म पे जन्म लेना पड़े लेकिन मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे धरती का सीना चीर के करण अर्जुन आएंगे तो वो रटा रटा ज्ञान है सब ठीक है साहब आगे बढ़ते हैं थोड़ा पानी वाणी पी लिया देखो राजस्थान में कई तरह के आंदोलन हैं पूरे भारत में कई तरह के आंदोलन हैं केवल आंदोलन का मतलब किसान आंदोलन नहीं होता जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने किले की घेरेबंदी की और फलाना किला जीत लिया वहां पे साका हुआ तो जरूरी नहीं कि हर स्थान पर साका हुआ है और हर स्थान पर घेरेबंदी हुई है जैसे प्रैक्टिकली सोचे तो एक रणथंबोर का किला आपने सुना होगा अब रणथंबोर में नाम भी क्या उसका रणथंबोर यानी रण पहाड़ी के बीच खंबे के समान जो किला है उसे कहते हैं रणथम्बोर इस किले के बारे में लोगों ने लिखा है ना इतिहासकारों ने अबुल फजल ने कि सारे दुर्ग नंगे हैं एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है कवच युक्त है तो आप सोचिए जो किला पहाड़ियों से घिरा हुआ है जंगलों से घिरा हुआ है वन दुर्ग की श्रेणी में आता है उसकी घेरेबंदी कैसे हो सकती है और इतिहासकारों ने लिखा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है इस किले की 1290 के अंदर घेरेबंदी की और घेरेबंदी करने के बाद में इस किले को घेर नहीं पाया इसलिए वापस ये कह के, के लौट गया कि मैं 10 किलो को तो मुसलमान की डाड़ी के बाल बराबर नहीं समझता एक बात बताओ रणथंबोर किले को घेरा जा सकता है ये पूरा घना जंगल है टाइगर घूमता है वहां पे यूं कहो कि अलाउद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाड़िया साफ की थी ग्यारह महीने तक घेरा का एक कांदा घेरा झूठ हर जगह ये चीजें नहीं चलती भाई पर आप राण जी क्या बैठे उदयपुर जो है जो है जो लिखा है उसी से गोला राइट होगा अपन भी कह देते हैं कि हाँ वहां घेरेबंदी की तू खुश रहे राजी रहे बहुत कुछ गलत फैक्ट है इतिहास में एग्जैक्टली exactly. वापस उसका पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है देखिए अगर मैं बात करूं जैसलमेर की बताएंगे साथियों जैसलमेर कैसा इलाका है पूरा रेगिस्तानी इलाका है हाँ या ना देखिए ज्यादा डेटों के उलझन में उलझने की जरूरत नहीं आपने सुना कभी जैसलमेर में भी आंदोलन हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद में कहोगे हाँ सर हुआ है बिल्कुल हुआ है ये तो हमने पढ़ा था पर ध्यान ही नहीं दिया देखो प्यारे मित्रों जैसलमेर में आंदोलन हुआ कैसे जैसलमेर एक रेगिस्तानी इलाका है और जहां की जमीन खराब होती है ना रेगिस्तानी प्रदेश है और जहां की जमीन बड़ी खराब होती है ना वहां का इंसान क्या करता है मर जाना चाहिए उसको उसके परिवार का गुजारा चलाने के लिए इंसान क्या करेगा शॉर्टकट अपनाएगा चोरी करेगा डकेती करेगा लूटपाट करेगा हत्याएं करेगा गबलेबाजी करेगा और आपको तो पता है कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा तस्करी होती है तस्करी वो फिल्में नहीं देखी सरफरोस मिर्ची सेठ ठीक एक और फिल्म देखी होगी आपने बजरंगी भाईजान बंदा का बंदा बॉर्डर से पार हो जाता है और कोई भी चीज की तस्करी होती है तो आपको क्या लगता है वो तस्करी क्या वहां के प्रशासन को पुलिस प्रशासन को नहीं पता सबको पता है पुलिस प्रशासन के जरिए ही तो तस्करी होती है अब गुजरात में शराब बेन है और यह सारी शराब जो है वह उदयपुर से बॉर्डर पार करके जाती है पुलिस को सब पता है कि कौन सी गाड़ी में कितनी शराब है पकड़ी कब जाती है जब पुलिस को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था हाँ फिर फोटू आती है अखबार में कि हां साहब इतनी शराब पकड़ी गई हाँ, रजिल कुमार भाई ठीक है डायलॉग छोड़ो टॉपिक पे आओ तो जैसलमेर में यहां पर माहेश्वरी जैन व्यापारी थे माहेश्वरी जैन व्यापारी तो स्वाभाविक सी बात है यहां आंदोलन कौन करेंगे व्यापारी और ये माहेश्वरी जैन व्यापारी जो हैं रेशम की तस्करी करते थे रेशम की और ये रेशम जो है वह चाइना से आता था ओके चाइना से रेशम आता था यह और चाइना से राजस्थान बॉर्डर होते हुए फारस जाता था ईरान फारस ईरान पर्शिया और यह माहेश्वरी जैन व्यापारी इस रेशम को पहुंचाते थे और इस रेशम की तस्करी पर जो कर लगता था टैक्स लगता था उसको कहा जाता था लानी लानी ये चीजें कभी नहीं पड़ी होगी आपने एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है बूंदी ने बेगू ने बजोलिया ने पढ़ पढ़ के रट्टा मार के माथा फोड़ो जहां आपकी सोच खत्म होती है ना वहां उस डोकरे की सोच शुरू होती है डोकरा यू नो पेपर सेटर जिसके मुंह में दांत नहीं है पेट में आंत नहीं है मरेगा हाई लेके मरेगा वो ऐसे सवाल पूछते हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं। लानी क्या है और आप कहोगे ओ कठू आयो ये तो पड़ा ही नहीं लानी रेशम की तस्करी पर लगने वाला कर है ठीक है जो जैसलमेर में माहेश्वरी जैन व्यापारियों से लिया जाता था और आपको पता है कि तस्करी का जब माल होता है तो उस माल को पुलिस की मिली भगत से ही होता है तस्करी ये हम सब जानते हैं हम खुल के नहीं बोल पाते लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से होता ही नहीं होता है ठीक है ऐसा हम सुनते आए मैंने देखा नहीं भाई अपन क्यों किसी के ऊपर फालतू बातें करें ऐसा मैंने भी लोगों से सुना है कि ऐसा होता है क्या पता कोई वीडियो बना के वायरल कर दे कि सर ये कह रहा था बंदा यहाँ पुलिस जो है मिली भगत है नहीं मैंने नहीं कहा भाई ठीक है तो लाने लिया जाता था और तस्करी के आइटम पर आपको क्या लगता है टैक्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा जो चीजें बैन हो फिर भी वो चीजें बिकती हो तो उसके भाव कम होंगे या बहुत ज्यादा होंगे बहुत ज्यादा ही होने हैं तो रेशम की तस्करी पर स्थानीय जो जैसलमेर के शासक थे जिनका नाम था महारावल शालीवाहन सेकंड महारावल शालीवाहन सेकंड उन्होंने 95 परसेंट रेशम की तस्करी पर कर लगा रखा था अब आप सोचिए जिसमें 95 परसेंट टैक्स हो किसी जगह पर या किसी की चीज पर बेचारे आम नागरिक कैसे सरवाइव करेंगे उस नाइन्टी 95 परसेंट तो मतलब शाली वाहन जी ले जा रहे हैं तो इसलिए जैसलमेर के माहेश्वरी व्यापारियों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था माहेश्वरी युवक मंडल माहेश्वरी युवक मंडल और जिसका गठन करने वाले व्यक्ति थे मीठा लाल व्यास जी हां इनका नाम आपने सुना होगा जैसलमेर प्रजा मंडल के नेता के तौर पर वैसे एक बात बताओ प्रजामंडल की हम बात करते हैं यानी प्रजा के लिए बना संगठन सीधे शब्दों में कहे तो ये किसान नेता किसके लिए लड़ रहे हैं जनता के लिए प्रजा के लिए है ना और इन्हीं के हाथों में धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण ही तो प्रजामंडल है चाहे वह मेवाड़ प्रजामंडल के नेता माणिक्यलाल वर्मा हो तो वह मेवाड़ प्रजामंडल के नेता क्यों बने क्योंकि प्रजा के लिए लड़ रहे थे तो नेता बने वैसे कि वैसे ये भी तो प्रजा के लिए लड़ रहे हैं इसलिए तो प्रजामंडल के नेता बने सच बताना दिल से आपके खास की कसम है ये जो मैंने अभी अभी जैसलमेर के बारे में बताया सुना कि नहीं सुना अभी तक तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर ये न, वो न, पहले से डेटे बता रहे थे रट्टा मार के बैठे हुए थे सही बताना ये जो माहेश्वरी युवक मंडल है या फिर लानी जो चीज है या जैसलमेर में माहेश्वरी व्यापारियों ने आंदोलन किया ये सुने थे पहले इस आंदोलन के एक नेता और भी थे जिनका नाम था सागरमल गोपा अब सब बोलेंगे कि हां सर सुना है सुना है सुना है जी हाँ कही न कहीं ना कहीं ये सारे नेता उस प्रजामंडल से कनेक्टेड हैं प्रजा के लिए ही तो लड़ रहे हैं नहीं सुना है वही एग्जाम में सुना देते हैं सागरमल गोपा जिन्होंने दो पत्रिकाएं ज्यादा कुछ गहराई से नहीं आता सवाल आपको ज्यादा कुछ इन आंदोलनों में क्योंकि राजस्थान में आंदोलनों की कोई कमी नहीं है इतने सारे आंदोलन बांटे फेंको जहां पे आंदोलन हुए हैं ठीक है इसलिए इन आंदोलनों को आपको ज्यादा गहराई में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं ऊपर ऊपर से ही एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं सागरमल गोपा ने दो पत्रिकाएं संचालित की थी आपको पता होगा एक का नाम था आजादी के दीवाने और एक पत्रिका का नाम था जैसलमेर का गुंडा राज क्यों चालू की थी भाई साहब जैसलमेर का गुंडा राज वो क्यों कह रहे थे सागरमल गोपा जी क्यों कह रहे थे मेरे लाले इसी कारण से तो कह रहे थे क्योंकि शाली वाहन जी ने लानी जो है 95 लगा रखा था तो ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है बाद में इसी माहेश्वरी युवक मंडल को जैसलमेर प्रजामंडल नाम दिया गया ठीक है और आपको पता है ना सागरमल गोपा को जेल में जैसलमेर जेल में केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया था केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया था केरोसिन डाल के अरे केरोसिन से मुझे याद आया एक बढ़िया सा जोक सुनाता हूं आपको मैं ऐसे ही किसी क्लास में पढ़ा रहा था दो चार साल पहले की बात है और मैंने कहा बच्चों को मैंने कहा सागरमल गोपा को कैरोसिन डाल जिंदा जलाया गया तीन अप्रैल उन्नीस अप्रैल 1946 को, 3 1946 को डाल के इनको जिंदा जलाया गया अगले दिन छोरा आया मेरे पास में और कहने लगा कि सर आपने लिखवाया कि कैरोसिन डाल सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया जबकि मैंने तो पढ़ा है कि मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जलाया गया मैंने सोचा वो छोरा मजे ले रहा है बाद में पता चला कि वो तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको बेचारे को नहीं पता कि केरोसिन और मिट्टी का तेल एक ही होता है तो फिर मैंने कहा कि सागरमल गोपा को न तो केरोसिन डाल के जिंदा जलाया गया था न मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जलाया गया था घास तेल डाल के जिंदा जलाया गया था घासलेट तो कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो सॉरी बट ये हालात है क्योंकि आजकल केरोसिन भी बंद हो गए चुके हैं तो कहां पता होता केरोसिन और मिट्टी का तेल क्या होता है और धीरे धीरे लगता है मुझे लगता है इन चीजों को जनरेशन भूल ही जाएगी आने वाले 2040 45 तक मुझे लगता है पेट्रोल को भी भूल जाएगी ये ठीक है कि पेट्रोल भी कुछ चीज होती है या तो गैस से या सोलर एनर्जी से चलेगी ठीक है घासलेट कह दो या केरोसिन कह के दो मिट्टी का तेल कह दो भाई साहब एक ही होता है तो आपकी क्लास में कोई इंग्लिश मीडियम का है विद्यार्थी तो प्लीज सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया था इतना याद रखना है आपसे नहीं पूछेंगे कि घासलेट था कि मिट्टी का तेल था या फिर केरोसिन था ठीक है बस जलाया गया तो जलाया गया खत्म बात ठीक है घासलेट ही बोलते हैं आपके एरिया में भी चलो नेक्स्ट आंदोलन हम अभी शुरू करेंगे तो आधा अधूरा लटक जाएगा इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम उस आंदोलन को चर्चा में लाएंगे तो एक आध मिनट और आपसे ही कर लेते हैं और भी देखिए आंदोलन है सर इंग्लिश मीडियम वालों की बेजती कर ले हमने क्या बिगाड़ा है अरे जाटनी फी जाटनी मैंने नहीं बोला इंग्लिश मीडियम की बीजती नहीं कर रहा हूं मैं तो बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में राजस्थानी मीडियम भी सीखो पता होना चाहिए कि कुकड़ो कुकड़ो करने करने के के गंडकड़ो 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 समझते हो बोकड़ो समझते हो बोकड़ो किसको कहते हैं पता होना चाहिए ना भले इंग्लिश मीडियम के हुआ तो क्या हुआ राजस्थान में रहते हैं तो बोकड़ो मतलब बकरो कुकड़ो मतलब मुर्गो मोरियो मतलब मोर गो मतलब कुत्तो ये पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान कल्चर और राजस्थान की ये जानकारी होनी चाहिए काचबो खरगोचियो ठीक है ये पता होना चाहिए पहले जमाने में बाट भी होते थे पतले पतले बाट उसको कहते थे जो है शेर बोलते थे शेर इस आं... एक शेर वाला भी आंदोलन हुआ था कहानी सुनी होगी ना शेर का सवा शेर शेर एक तरह का बाट होता था जैसे अभी जो है वह किलोग्राम में होता है तो पहले शेर का सवा शेर होता था ओके चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर यू लेटर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जय हिंद